तो राम राम लाडलो, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हैशटैग राम राम आर्मी लिख दो पहले, और कल जितने भी कमेंट आए थे उन सबको देखते हैं। और उन कमेंट से पहले एक नितिन यादव करके भाई, उसने मेरे दोनों चैनल पे कमेंट कराए कि तेरे कोरोना हो रखा है। तो भाई जो जैसा बोलते हैं ना, ऊपर थुका वो मुंह पे आके पड़ता है। तो भाई मैं बोलता हूँ कि ना तेरे हो भाई, ना तेरे घर वालों के हो, बाकी ऐसे कमेंट करते रहो, क्या फर्क पड़ता है हमें। खैर पहले कमेंट देखते हैं, उसके बाद आज की जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। मतलब भाई जैसे आपने टाइटल देखा होगा, मैंने बताया कि भाई डैशबोर्ड पे अगर पैर रख लिया आपने तो जान जानी निश्चित, और जान नहीं जाएगी तो जिंदगी भर के लिए लंगड़े लुल्ले हो ही जाओगे आप लोग। उसका आज मैं आपको लाइव टेस्ट दिखाऊंगा, क्रैश टेस्ट भी दिखाऊंगा, और एक ऐसा घटना हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये वार्निंग क्यों देना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भाई एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में नई सारी वीडियोस देख पाएं, और उसके बाद इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो भाई लोग, गाड़ी जो है वो चल रही होती है, ड्राइवर यहाँ पे ड्राइव कर रहा होता है, को पैसेंजर होता है, भाई सीट बेल्ट भी लगा लेता है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे सीट बेल्ट भी लगा देते हैं। उसके बाद एक सिनेरियो ये आता है कि भाई हम जो है अपने पैर ऐसे करके बैठ जाते हैं आगे। ठीक है, अब हम अपने पैर ऐसे करके बैठ जाते हैं क्यों? क्योंकि कई देर तक नीचे पैर रखते हैं तो दर्द हो जाते हैं। ऐसे पैर करके हम लोग सो रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं दो चीज आपको बताता हूँ, क्रैश टेस्ट तो आपको बाद में दिखाई दूंगा भाई। सीन ये है कि जैसी आपकी गाड़ी जो है भिड़ती आगे से, तो ये जो सारा हिस्सा है आपके पैरों को तोड़ देता है, यहां से हड्डी टूट जाती है पूरी, एयर बैग जो है इतने प्रेशर से खुलता है कि आपके पैर जो है वो टूट जाते हैं। ऐसे भी ले लियो, एयर बैग जो है वो आपके पैर टूट जाते हैं उससे। ठीक है, तो भाई ये गलती ना करिए। और अब आगे जो है आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि जो जो घटनाएं हो रखी हैं, क्रैश टेस्ट भी साथ में दिखा दूंगा, तो ये गलती मत करिए। पहले मेरे को आपको डेमोंस्ट्रेट करनी थी, अब आगे क्रैश टेस्ट देखो कि कैसे ये जो पैर है ये टूट सकते हैं आपके पूरे। और भाई बहुत ज्यादा जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पहली इमेज दिख रही है, बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ने लिखा है हेज एन एक्सरे ऑफ हॉरिफिक एक्सीडेंट, और आपको एक्सरे में दिख रहा होगा भाई कितने बुरी तरह से जो हड्डी वगैरह हैं वो टूटी हुई हैं। खैर वो सब छोड़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्रैश टेस्ट है ये स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए करा गया था कि फीट ऑन डैशबोर्ड, और यहाँ से आपको दिख रहे होंगे कि जो साइड में रोबोट बैठा है उसके जो पैर थे वो डैशबोर्ड पे थे। एंड भाई उसके बाद आप पैरों की हालत देख सकते हो कि क्या हुई है, इसमें शायद इंजरीज ना पता चल रही हो, बट एक्सरे का अगर हम लोग सहारा लेके बताएं तो भाई 101% जो है हड्डियां जो हैं अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुकी हैं, और जो आपके पैर हैं ऊपर से वो टूट चुके हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे जो साइड वाला बंदा है जो अपना मतलब जिसके स्टीयरिंग से एयरबैग निकला और उसका मुंह लगा वो शायद बच सकता है, बट जो डैशबोर्ड से जिसके पैरों में चोट लगी है भाई वो शायद जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए ना चलने लायक बन जाए। क्योंकि हमारी जो गाड़ियां होती हैं इस तरीके से डिज़ाइंड होती हैं जो हमें बचा ले, ना कि इन चीज़ों को कि जिसमें हमारा पैर डैशबोर्ड पे रखा हुआ हो। तो यहाँ पे 3-4 स्लो मोशन में आपको ये इमेजेस वीडियो दिख रही होगी जिसमें जो भाई पैसेंजर बैठा है, को पैसेंजर बैठा है, उसके पैर बुरी तरह से इधर उधर हो जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके कितने बुरे हाल हो सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी ताकि आप लोग थोड़े सतर्क हो जाएं और ये गलती ना करें। मैं ज़रूर श्योर हूं कि भाई हम में से बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके साथ भी कोई बैठा है वो गलतियां करता है या आप भी ये गलतियां करते हैं तो प्लीज़ आगे से ये गलतियां मत करिएगा और सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। लाडलो जैसे कि आपने देखा होगा भाई, मैंने जो दिखाया आपको डैशबोर्ड पर, अगर आप आपके पैर रख रखे हैं तो भाई कुल्ले की हड्डी भी टूट सकती है, पैर पूरे जा सकते हैं, मर सकते हो आप। अगर कोई मतलब बंदा एक्सट्रीम पेन नहीं झेल सकता तो उसमें आप मर सकते हो। तो भाई ये गलती मत करिएगा कभी भी कि आप जो है आगे पैर रखे बैठे। अच्छा लगता है बहुत ज्यादा इसे बैठना, मैं खुद भी बैठता था इससे पहले, मैं बोल रहा हूँ खुद बैठता था, बट ये जब इंसिडेंट मेरे सामने आया उसके बाद भाई आंखें खुल गई कि ऐसी गलती कभी भी ना करना है जिंदगी में। तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। खैर लाडलो, मिलते हैं कल नई वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए भाई धन्यवाद, एक बार दूसरे चैनल के ऊपर काट देते हैं।